गुड आफ्टरनून दोस्तों, दोपहर का हो रहा है 12:15 हो चुका है हमारा 40 मिनट का वर्कआउट कंप्लीट। रोज़ हमें सोने में हो जाता है देर, जिसकी वजह से स्टार्ट हो रहा है दिन का थोड़ा लेट, इसको ठीक करना है। खैर, अभी हो चुका है 40 मिनट का वर्कआउट और हमारे कैलोरीज बर्न हुई हैं 526। अब फटाफट से हाथ मुँह धोएंगे और पोस्ट वर्कआउट मील लेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या पोस्ट वर्कआउट मील ले रहा हूँ। और केवल हैं 13 मिनट हमारे पास, फिर हो जाएगा हमारा ऑफिस स्टार्ट और उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा। अब ऑफिस के टाइम पर आप देख पाएंगे, सुन कुछ नहीं पाएंगे और उसके बाद हम मिलेंगे लंच के टाइम पर, तब तक के लिए बने रहिए। सो दोस्तों, मैं एक मीटिंग में बिजी हो गया, तब मैं खाने जा रहा हूँ अपना पोस्ट वर्कआउट मील। पोस्ट वर्कआउट मील में क्या ले रहा हूँ दिखाता हूँ क्विकली आपको। दोस्तों आज हम ले रहे हैं उपमा, साथ में है पपाया और ये है हमारी ग्रीन टी। सो फटाफट इसको करते हैं फिनिश, उसके बाद है दूसरी मीटिंग, उसके लिए बैठना है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, दोपहर का बज रहा है 3 और हमने करने बैठ गए हैं लंच। आज का दिन एक्सट्रीमली ऑक्यूपाइड है, बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है उठने का और इसीलिए बीच में बात भी नहीं कर पा रहा था। बीच में कोई वॉक भी नहीं हुई है मेरी मॉर्निंग वर्कआउट के बाद, बट अब बैठ गए लंच करने के लिए। फटाफट करेंगे लंच और अगले 20 मिनट में है हमारी दूसरी मीटिंग, उसको करेंगे अटेंड। शाम को कोशिश करेंगे फिर से वॉक करने की, बट आज लगता है कि शाम की वॉक भी नहीं हो पाई क्योंकि शेड्यूल एक्सट्रीमली ऑक्यूपाइड है। बट आई विल कीप यू पोस्टेड और टारगेट आज का ही वही रहेगा 20,000 स्टेप्स, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या खाना खा रहा हूँ। सो खाने की शुरुआत हमेशा की तरह सैलेड से हो रही है, जिसमें है चुकंदर, पपीता, मूली, खीरा, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास गाजर की सब्जी और ये है रायता और ये है बाजरे की चपाती और मैं शायद एक चपाती और लूँगा। बस यही सिंपल सा हम खाना अभी खाएंगे, इसको करेंगे फिनिश और बैठेंगे अपनी मीटिंग के लिए। बने रहिए, मिलते हैं शाम को। हाँ जी गाइस, रात का बज रहा है 11, डिनर हो गया है लेट, हर चीज़ लेट हो रही है, बट हाँ करेंगे। मैं दिखा देता हूँ मैं डिनर में क्या खा रहा हूँ। इवनिंग कोई वॉक नहीं हो पाई, बस मॉर्निंग वर्कआउट के टाइम वॉक हुई थी और एक बार बीच में 20 मिनट की वॉक हुई थी। बट मैं आपको टोटल बताऊँगा जब मैं डे कंक्लूड करूँगा आज, कितना वर्कआउट, कितनी देर का, कितने स्टेप्स हुए हैं हमारे। अभी मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि मैं खाने में क्या खा रहा हूँ, उसके बाद हम करेंगे वॉक और फिर मिलेंगे डे क्लोजर में। सो गाइस, ये है अपना डिनर। डिनर में है मशरूम, मटर, गाजर और बाजरे की चपाती। बाजरे की चपाती मोटे अनाज के मैं बेनिफिट्स आपको पहले बता चुका हूँ वेट लॉस के लिए, सो वी नीड टू स्टिक टू इट। देखिए यही है सिंपल सा डिनर, इसको फटाफट खाते हैं। इससे पहले मैं खा चुका हूँ पपाया एज ए सैलड, जो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि उस टाइम मैं फिर अपनी किसी मीटिंग में था। बस ये खाते हैं फटाफट और उसके बाद करते हैं वॉक जितनी देर भी हो सकता है और फिर आपको मिलेंगे डे कंक्लूड करते टाइम पे। बने रहिए। सो गाइस, रात का बज रहा है 12 और डिनर तो हो चुका था, मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद वॉक भी हो चुकी है, वॉक मैंने की है करीब 50 मिनट्स। आज का दिन एकदम जैम पैक था, मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाया हूँ। बट हमने 3 बार अपनी वॉक की है, पहला हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है, दूसरा जो हमने लंच के बाद 20 मिनट वॉक की थी और तीसरा जो मैंने अभी रात को डिनर करने के बाद वॉक की है। तो स्टेप्स हमारे 15,000 हुए हैं, बट क्योंकि हमारी ऑनगोइंग एक्टिविटी रहेगी तो 15,000 to 20,000 के बीच में ये वेरी करेंगे। बट डेली टारगेट हम अपना 20,000 ही रख के चलेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम डेली उसको अचीव करें। आपने तो किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं क्योंकि शायद आप देख नहीं रहे, बट मैं खुद ही बता देता हूँ। मैंने एक ग्रीन टी के बारे में बात की थी कि ग्रीन टी मैं दूसरी लाया हूँ जो विदाउट कैफ़ीन है। इससे पहले जो मैं ग्रीन टी ले रहा था वो विद कैफ़ीन थी। मुझे नहीं पता कि क्योंकि मैंने ग्रीन टी चेंज की है इसीलिए या विद कैफ़ीन और विदाउट कैफ़ीन का फ़र्क है, बट विदाउट कैफीन वाली जो ग्रीन टी है, इट सेज दैट इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर लेवर एंड किडनी क्लिनजिंग, लीवर और किडनी की क्लीनिंग के लिए इफ़ेक्टिव है वो वाली, और वो है विदाउट कैफीन। बट अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो पुरानी वाली तो फिर भी पीने लायक थी, लेकिन नई वाली तो ऐसा लगता है कि जैसे आप गिलोय का रस पी रहे हो, एक्सट्रीमली बिटर इन टेस्ट।
जबकि ब्रांड सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कड़वी है। मुझे नहीं पता कि कैफ़ीन का फ़र्क है, वो कैफ़ीन ना होने से वो कड़वी होती है क्या, उसकी मुझे नॉलेज नहीं है। अगर आपको है तो आप प्लीज़ बताइए, लेकिन पीना बहुत मुश्किल है उसको, बट पीनी तो पड़ेगी। और इसके साथ ही हमारी जो बाकी जो प्रैक्टिस है वो चल रही हैं, पानी पीना, मेडिकेशन लेना, और आपको पता ही जो रूटीन हमारा है। और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसे फॉलो करने की। बात मुझे फॉलो करने की नहीं, बात यह है कि क्या वो रूटीन आप अपने लिए फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो अपने लिए उस रूटीन को फॉलो कीजिए और स्टे हेल्दी, कीप सेफ। और आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।